कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और नागरिकों की जान बचाने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के इस लंबे समय के दौरान गरीब नागरिकों को खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 माह का राशन मुफ्त उपलब्ध करा रही है। निमाड़ अंचल के खंडवा जिले में नागरिकों को 3 महीने की राशन सामग्री वितरित की जा चुकी है। केंद्र सरकार की इस पहल से हितग्राही काफी खुश हैं। जिन लोगों को सरकार की योजना के तहत राशन मिला है वे काफी खुश हैं और सरकार की सराहना कर रहे हैं। अभी कोई परेशानी नहीं हो रही, 3 महीने का राशन दिया था मोदी जी ने, अभी चल रहा, हमें कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। ये हमको मार्च में मिल गया था 3 महीने का। 45 किलो गेहूँ, 36 किलो चावल और 3 नमक की थैली। धन्यवाद देंगे मोदी जी को कि हमें आगे कोई परेशानी हो तो और हमारी सहायता करें। खा भी रहे, मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, बार बार उनकी कमाई में बरकत देती हूँ। भगवान ऐसे नेता सबको बनाए और सबके गरीबों की मदद करे। वो खंडवा जिले में इस योजना के तहत 1,80,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। गरीब और कमजोर वर्ग के लिए सरकार की ये पहल निश्चित ही उनकी कठिनाइयों को कम करने में सहायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News भोपाल।